खावर, वो बड़े दिनों से जुनेद ईशल को पढ़ाने नहीं आया। रुखसाना भाभी, अगर सब ठीक है, कुछ ठीक ही होगा। छुपा रहे हैं मुझसे। छुपाना क्या, जुनेद उस दिन मुझसे फीस नहीं ले रहा था। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा फीस ही नहीं तो ईश्वर को पढ़ाने की जरूरत नहीं। उसने मेरी बात मान ली। आपको गुस्सा क्यों आ गया? जाहिर है भाई, मेरे भतीजे हैं, अगर मैं उनके लिए कुछ करना चाहूं तो नहीं कर सकता। जुनेद ने रुखसाना भाभी को बता दिया होगा और उन्होंने यहां ना आने का कोई बहाना बना दिया होगा। नहीं, ये वजह नहीं है, वजह कुछ और है। बता क्या मतलब? बेटा, क्या बात है? जुनेद ने ताईजान से मेरी और अपनी शादी की बात की है। शादी? ताईजान ने उसे यहाँ आने से मना कर दिया। तुम्हें किसने बताया? जुनेद ने बताया ये सब? नहीं, वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा उस दिन से। ताईजान ने उसे कसम दी है मुझसे बात ना करने की। फिर किसने बताया? सायरा भाभी से बात हुई थी, उन्होंने ही बताया। लेकिन प्लीज, आप लोग ताईजान को मत बताइएगा कि सायरा भाभी ने बताया मुझे। मैं हैरान हूँ, इतना सब कुछ हो गया और अम्मा भी ने मुझे बताया तक नहीं। तुम छोड़ो बेटा, तुम जाओ, मैं सारे मामले को देख लेता हूँ। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कि जुनेद की जरूरत कैसे हुई कि उसने ईशल से शादी की बात की। यकीनन इसके पीछे कोई और होगा। अब तुम ये मत कहना कि तुम ये सब कुछ नहीं जानते। ले आए सामान। जी बकाया कर। देख, ये किस लिए? बाजवा, सायरा का दिल चाहता है कुछ खाने को, उसे मंगा के दे दिया करो, मुझसे ना पूछा करो। हमें मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या आप इतनी मेहनत से कमाती हैं, हम कितना आराम से खर्च कर देते हैं। तुम लोगों के लिए ही तो कमाती हूँ। लेकिन अम्मी, बस एक और लफ्ज भी कहा तो मैं भूल जाऊंगी, तुम बड़े हो गए, तुम्हारी पिटाई लगा दूंगी। लो रख लो, तुम्हारा जो भी दिल चाहे मंगा लिया करो, इसके पास हैं पैसे। जी अम्मी। बोलो अब क्या खाओगी? रसमलाई अभी लाता हूँ।